नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज दुबे और आप देख रहे हैं कोटा जानकारी चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि बिहार से कितने स्टूडेंट कोटा में पढ़ने जाते हैं। बिहार बिहार के साथ साथ जो आसपास का उत्तर प्रदेश का एरिया है, हम वहाँ की भी बात करेंगे। अब लेकिन बात करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज देना चाहता हूँ जेईई मेन से रिलेटेड 2019 की। भाई, फरवरी में शायद उनके फॉर्म भराने हैं 2019 में, तो आप लोगों में से जिसको भी इस साल एग्ज़ाम देना है वो ज़रूर भर दे, याद से डेट कहीं मिस ना हो जाए आपको, इसलिए मैंने इनको बताई बात। उसके साथ साथ ऑफलाइन किसी भी तरीके से ये एग्ज़ाम नहीं है, सब कंप्यूटर बेस्ड है आपको। और अगर आपको मॉक टेस्ट करने हैं, इसके कंप्यूटर बेस्ड है, अगर आप नहीं जानते कंप्यूटर पर कैसा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री मॉक टेस्ट की, आप वहाँ से जाकर के मॉक टेस्ट ट्राई कर लीजिए। और उसके साथ साथ ऑफलाइन एग्ज़ाम केवल उन लोगों के लिए है जो कि ड्राइंग वाले हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर के लिए फॉर्म भरा होता है उनके लिए ऑफलाइन 2 तारीख को एग्ज़ाम होगा जो कि ड्राइंग बेस्ड वाला होगा, आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कोटा में जाकर पढ़ते हैं। दोस्तों, कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत मेजोरिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा, और ये काउंट हमेशा डिफर करता रहता है, लेकिन एवरेज अगर आप बोलोगे तो 2 लाख होता है। ऐसे में जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है वो बिहार से बिलोंग करती है और यूपी से बिलोंग करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जिलों का, इन राज्यों का भी नंबर आता है, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो यूपी और बिहार से आते हैं। चलो, आज के समय में हम अगर बात करें, जब जो अपने पीक परफॉर्मेंस पे थी जो कोटा की पूरी इंस्टीट्यूट है, उन सब के जो स्टूडेंट जब बहुत जब चलन में था ये, जब स्टार्टिंग में, उस टाइम पे यूपी और बिहार के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया करते थे, और कुछ उसी तरीके का अभी भी आप देखेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप वहाँ रहेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल में रह रहे हैं उनमें से बिहारियों की संख्या ज़्यादा है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनकी संख्या ज़्यादा है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेशियों की, स्टूडेंटों की भी संख्या ज़्यादा है। उसके बाद बात आती है आप राजस्थान कह लीजिए या फिर मध्य प्रदेश कह लीजिए। और एक और बात दोस्तों, कि आप जब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैच में होंगे, ठीक है, बैच रीसफल होते रहते हैं हर बार, जब आप पहले बैच में होंगे, उसके बाद सफलिंग के बाद दूसरे बैच में होंगे, तीसरे बैच में होंगे, तब भी आप ये बात नोटिस करेंगे कि वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बिहार के होते हैं, जो बिहार में बिलोंग करते हैं लोग। और उसका कारण भी यही है क्योंकि वहाँ पे उनके जो पहले के जो सीनियर्स हैं वो गए हुए होते हैं, तो सीनियर्स, घर वालों का माहौल जो रहता है सीनियर्स के प्रति, मतलब उनको पता रहता है कि हमारा बच्चा गया था, तो वो भी बताते हैं अपने बच्चों को कि उनका गया था, फलाने का गया था, ढिकाने का गया था, वही चीज़ ट्रेंड में आती रहती है। उसके अलावा फिर बाकी स्टेट से थोड़ी सी कम परसेंटेज में होते हैं। अब भाई, बिहारी लोग जो होते हैं वो, उनका दिमाग, में खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बेशक, और उनकी पढ़ाई करने का तरीका, और बात कर लीजिए आपकी सिंसियरिटी, वो मुझे बहुत प्रभावित कर गई, क्योंकि जब मैं था वहाँ पर तो बहुत अच्छे से सिंसियरली वो पढ़ते थे। सपोज़ करिए जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मेरे बगल में कोई स्टूडेंट है जो बिहार से बिलोंग करता है, या फिर यूपी और बिहार के जो पास के सिटी है ना, जो उनके शेड में आते हैं, उन वहाँ से आया, अब मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा, तो मैं अगर उसको बोलूँगा कि भाई क्लास के बीच में से कुछ बोलो, तो नहीं, ही इज़ वेरी सिंसियर, और वो अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मस्ती नहीं करते, दे आर सो टैलेंटेड, वो इन्जॉय भी करते हैं, उसके साथ साथ कई उनमें क्वालिटीज़ भी बहुत होती हैं, वो गाना भी अच्छा गा लेते हैं, और उसके साथ साथ दिमाग से तो होते ही हैं अच्छे, तो बोरिंग कहीं किसी तरीके से नहीं होते, लेकिन एक जो उनकी बात जो चमक के दिखती है वो रहती है पढ़ाई के प्रति सिंसियरिटी अधिकतर लोगों की। कुछ अब बात वहाँ पे आते हैं, एक्सेप्शन है, लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं वो आपके, मतलब, बहुत सिंसियर होते हैं। और यही बात है कि बिहार के लोग बहुत अच्छा कमाल भी दिखा पाते हैं कोटा जा कर के, तो बहुत यही बात आपको बतानी थी। और उसके साथ साथ बस इतना ही आज की वीडियो में, अब जो अगली वीडियो होगी उसमें भी किसी एक राज्य के स्टूडेंट के लिए कोटा शहर कैसा है ये बताने वाला हूँ मैं, कि पर्टिकुलरली हर राज्य पे डिफरेंट असर पड़ता है, एमपी हो गया, यूपी हो गया, और भी अदर राज्य हो गए, बिहार टॉप पे था तो मैंने वो सबसे पहले दे दिया। और चैनल पे बनिए, आप देखिए वीडियोज़, कुछ बहुत पुरानी वीडियोज़ भी हैं वो देखिए, तरोताज़ा करिए, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स हैं वो लगभग लगभग पूरे कवर हो चुके हैं कोटा को लेकर के, तब कुछ नया आता नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपके पास लाता हूँ। तो फिर बाय और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हो, आप सभी को उस चीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।